News 18, India. बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने दावा किया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर उन्हें फतवा जारी किया गया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में इमाम उमेर अहमद इलियासी ने बताया है कि मुफ्तियों के एक ग्रुप से साबिर हुसैनी ने उन्हें फतवा जारी कर दिया है। ये पहली बार है जब किसी इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। इमाम उमेर अहमद इलियासी के मुताबिक वो पैगामे मोहम्मद लेकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने यह बड़ा दावा किया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मोहब्बत का पैगाम लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। तो न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मुफ्तियों के ग्रुप से साबिर हुसैनी ने उन्हें यह फतवा जारी किया है। यह पहली बार है जब किसी इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसमें उमेर अहमद इलियासी गए थे। उनके मुताबिक वो पैगामे मोहम्मद लेकर, यानी कि मोहब्बत लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। और इस फतवे पर इमाम उमेर अहमद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो इसके लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। सर, क्या फतवा आपके खिलाफ निकला है और आपने प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को हिस्सा लिया, उसमें आपने कहा था कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत है, तमाम बातें आपने वहां पर कही और अब कहा जा रहा है कि फतवा आपके खिलाफ निकाला गया है। मैं प्राण प्रतिष्ठा में जो गया था और बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया था, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने बहुत विचार करने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए देश हित में। वैसे ही ये खबर तमाम चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये वायरल होनी शुरू हुई कि चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया, तो मेरे खिलाफ देश भर में और देश के बाहर में सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप्स के माध्यम से, मेरे फ़ोन के ऊपर लगातार उस दिन से तमाम बहुत बहुत नफरत 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 फैलाने का काम चल रहा है। हुसैनी क्लासेस मुफ्तियों का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से मेरे खिलाफ फतवा जारी किया गया और वो फतवे में जिस तरह से जो उसमें मुझे जो डिक्लेयर किया है, ये भारत में अफसोस की बात यह है कि पहली मर्तबा किसी इमाम और चीफ इमाम के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। लेकिन मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं किया, ना मैं माफ़ी मांगूंगा, ना मैंने मांगी, ना मैं मांगूंगा, ना मैं गलत किया है, ना मैं इसके लिए कोई अपने आप को शर्मिंदा हूँ।